टूरिस्ट गाइड जैसी भूमिकाओं के लिए भी हम बनारस में महिलाओं को आगे लाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें, ताकि बाहर से जो यात्री आए उनको बनारस की एक एक चीज की जानकारी दें। हमने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावधान किया। इस वजह से आज काशी में भी हजारों महिलाओं के नाम अब घर की रजिस्ट्री हुई है। मुद्रा योजना के सहयोग से इन उद्योगों को नई ताकत मिली है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब प्रति सिलेंडर सरकार से 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। किसी को घर मिल गया, किसी रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिल गया, किसी को कैंसर में मदद पहुंच गई, किसी को किडनी की बीमारी थी मदद पहुंच गई। वे इतने भाव विभोर थे कि माताओं बहनों के लिए जो काम हो रहा है वो देश की शक्ति बढ़ा रहा है। बनारस में 2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को, 2,30,000 से ज्यादा उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब प्रति सिलेंडर सरकार से 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। भाजपा सरकार के दौरान यहां बनारस में पीएम आवास योजना के तहत 75,000 पक्के घर बना के गरीबों को दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर घर आप हमारी महिलाओं माताओं बहनों के नाम पर है। आप भी जानती हैं कि हमारे यहां महिलाओं के नाम संपत्ति रखने की परंपरा कम ही रही है। गाड़ी खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, जमीन खरीदनी हो तो पुरुष के नाम, दुकान खरीदनी हो तो पुरुष का नाम, घर खरीदना हो पुरुष का नाम, हमारे यहां यही चला करता था। लेकिन मोदी ने आकर देश की माताओं बहनों बेटियों के नाम संपत्ति की परंपरा शुरू की है। हमने पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावधान किया। इस वजह से आज काशी में भी हजारों महिलाओं के नाम अब घर की रजिस्ट्री हुई है। इससे परिवार में, समाज में उनकी अहमियत भी बढ़ी है। मेरे परिवारजनों, आज खेल के मैदान से लेकर राफेल उड़ाने तक हर जगह हमारी बेटियां कमाल कर रही है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो विकास को कितनी गति मिलती है, हमारा बनारस इसका साक्षी है। हमने मुद्रा योजना शुरू की। बनारस में हजारों महिलाओं को मुद्रा योजना से लाभ मिला। या हैंडीक्राफ्ट का काम हो, सिल्क की कारीगरी हो, या आचार बनाने जैसे गृह उद्योग हो, महिलाएं बड़ी संख्या में इनसे जुड़ी है। मुद्रा योजना के सहयोग से इन उद्योगों को नई ताकत मिली है। कितने ही छोटे बड़े उद्योगों जो बंद होने की कगार पर थे, आज उनके प्रोडक्ट
देश दुनिया के बाजार में पहुंच रहे हैं। बनारस और पूर्वांचल में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह भी तैयार हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाएं परिवार के हालात सुधार भी रही है और साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी की भी एक बड़ी संख्या तैयार हुई है। इन महिलाओं ने अपने इलाकों में एक नई पहचान बनाई है। लोगों को पता है कि कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो ये महिलाएं रास्ता दिखाएगी। स्वनिधि योजना का लाभ भी कई महिलाओं को मिला है। बनारस में पर्यटन से रोजगार मिलता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं चाहता हूं टूरिस्ट गाइड जैसी भूमिकाओं के लिए भी हम बनारस में महिलाओं को आगे लाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें ताकि बाहर से जो यात्री आए उनको बनारस की एक एक चीज की जानकारी दें। इससे महिला टूरिस्ट को आसानी होगी, महिला टूरिस्टों की आने की संख्या बढ़ेगी और बनारस की बहनों को रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी बंधन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृतकाल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिए और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माताओं बहनों की शक्ति ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी की इस पावन धरा पर हम एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के
माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत।